अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है तुहाडा फकीरी रंग चैनल दे विच। मैं सर्व हाजिर हाँ जी आप दी खिदमत दे विच इह नवा वीडियो लैके। अज दा जो वीडियो आप जी दे नाल सांझा करांगा उन्हां पीरां फकीरां वलियां दी दुनिया दे विचों, हजरत शेख अब्दुल कादर शाह जिलानी महबूब सुभानी कुतुब रबानी बलियां दे वली पीरां दे पीर दस्तगीर पीर मीरां गौस पाख सरकार जिहड़े दोस्त उन्हां दे नाल निस्बत रखदे ने उन्हां दे लई उन्हां दे जीवन दे विचों संबंधित इक वाकया चोरां तो कुतुब किवें बने आप जी दे नाल सांझा करांगा। चोरां तो कुतुब जो चोरी करन दे इरादे नाल लोग जांदे सन चोरी करदे सन तो जिहड़ा किते सरकार दी निगाह दे विच आ जांदा ते ओह बली हो जांदा, ओह चोरां तो फकीर बन जांदा कुतुब बन जांदा। तो एक छोटा जिहा वाकया आप जी दे नाल सांझा करांगा। कहिंदे ने कि एक वारी सरकार अपने घर दे विच उस मालिक की बंदगी इबादत कर रहे सन, अपनी बंदगी इबादत लीन मीरा गौस पाक सरकार ते एक चोर आ गया चोरी करने के इरादे दे नाल। तो कहिंदे ने कि जो चोर सरकारां दे घर दे विच दाखल होया उन्हें देखा कि मीरा गौस पाक सरकार जी उस मालिक की बंदगी इबादत दे विच लगे हुए हैं ते मेरे को मौका है कि मैं जो चाके ले जाना चामा ले जा सकदा। तो जिन्ना चिर फकीर अपनी बंदगी करदे ने मेरे को टाइम है। तो सरकारां दा कहिंदे एक जुबला जो एक लंबा चोला हुंदा वह टंगिया सी एक कीली दे उपर ते जिस दे विच कहिंदे उस वक्त सोने दियां तारां लगियां होईयां सन। तो उन्हें देखा कि यह बड़ा कीमती है, अगर बाजार दे विच बेचांगा इहदी कीमत वध लगेगी ते मेरा बहुत फायदा होवेगा। तो वह चक लिया, चके अपने पा लिया ते जदों अपने पाउण लगा पा लिया ते पा के जदों तुरन लगा ते अन्ना हो जाया करे, दिसणों बंद हो जाया करे ते जदों ला के फिर उत्थे कीली ते टंग दिया करे ते फिर सब कुछ दिसण लग पिया करे। दो चार वार जदों इस तरह होया जदों पाउंदा तुरदा ते दीदा कुछ नहीं, जदों ला दिंदा ते दिसण लग पैंदा। इसे चक्कर दे विच छड के जाण नूं दिल नहीं करदा, लैके जा नहीं हुंदा, करां ते करां की। इसे कशमकश दे विच फसिया उह जद देखदा कि सरकार जी बंदगी तो फर्क हो गए ने ते खूंजे दे विच इक दरी पई हुंदी है, दरी लैके उत्थे लुक जांदा वी जे हुण फड हो गया ते मार बड़ी पवेगी क्यों ना इत्थे लुक जावां। वो पासे ते लुक गया, जदों लुकिया ते सरकार जी उठे ते दरवाजे दे उत्ते किसे ने आके दस्तक दित्ती, दरवाजा खड़काया, सरकार जी ने दरवाजा खोलिया। रात दा वक्त ते वो कहिंदे कि सरकार जी असी इस पिंड तों आए हाँ, इस शहर तो आए हाँ, साड़ी जो दरगाह सी उत्थे जो मौलवी सी वो रा अज फौत हो गए ते सवेरा चढ़न तो पहला पहला सानू कोई मौलवी चाहिए, कोई फकीर चाहिए जिहड़ा जगह दे उपर बैठे, जिहड़ा गद्दी दे उपर बैठे। ते सरकार कहिंदे भी इस वक्त नहीं है कोई भी, कोई नहीं सवेरे जो तुसी आयो आपां कोई ना कोई फकीर किसी दा किसी नूं हुक्म ला देंगे वो उत्थे बैठणगे, तुहाडी रहनमाई तुसी करना ते सारा हिसाब किताब सवेरे करांगे। तो वह कहिंदे नहीं सरकार जी रात लंघनी औखी है, सवेर नूं लोकां ने रौला पा लेना, इस करके भी लोग कहणगे मैं बहना ये मेरी गद्दी है मैनू कह के, तो इस करके आपां अज रात रात सानू होने चाहिए। सरकार जी फिर कहिंदे कहिंदे नहीं कोई रौला नहीं पाउंदा सवेरे आके देखांगे, कहिंदे जी नहीं होने सरकार जी चाहिए। तो जदों इदां होई सरकार जी कहिंदे जी होने चाहिए तो आओ खूंजे बैठा वो फड़ लो, आओ खूंजे कहिंदे बैठा तो वह बंदे नूं फड़ के लिआओ मेरे को। तो जदों फड़ के लिआंदा वह चोर नूं तो सरकार जी वह कहिंदा सरकार जी मैं चोर हाँ, मैनू इस फकीरी रंग का की पता, मैनू फकीरी बारे पता है कुछ नहीं। तो सरकार कहिंदे तू चोर सी हुण नहीं चोर, तू साडा साडे घर आ गया, साडे नाल तेरा वार्ता हो गया, हुण तू चोर नहीं रहा, हुण तू कुतब बन गया, चोर तो कुतब बन गया, वली बन गया, जा इन्हां दे नाल जा जिथे तैनू ये बिठा लेणगे बह, साडे नाम दे सदके जो काम करेंगा वह पूरा होगा। तो एक पल दे विच एक चोर नूं बली करता, यह है मेरी सरकार पीर मीरा गौस पाक सरकार।
शेख अब्दुल कादर शाह जिलानी महबूब सबानी कुतुब रबानी वलिया दे वली पीरां दे पीर दस्तगीर ताई कहिंदे ने कि ठोकरां दे नाल सुते मुर्दे जगाए ने ताइयो इन्ने उच्चे शान रब कोलों पाए ने। ये रब कोलों उच्चियां शाना उस व्यक्ति नूं मिलदियां जो पाक साफ सच्चा ते सुच्चा नीयत वाला बंद की इबादत वाला होवे। तो सरकारां दी ऐसी रूह एक मिनट दे विच बली कर दिता। तो आस करांगा कि आप जी नूं ये छोटा जिहा वाकया जो आप जी दे नाल सांझा कीता चंगा लगा होवेगा, क्योंकि सिखण दी गल है, हर पासे सिखण दी है। जिन्हें सिख लिया सिखना ते मन च उतारना, पहला सिखना फिर उन्हें मन च उतारना। जिन्हें सिख लिया सिख के अपने मन च उतार लिया गल मन च बिठाल ली वो पास है। ते अजकल लोग जिहड़े ने वो इलम वालों ज्यादा भजदे ने ते अमल करता कोई नहीं, उत्थे गल फसी रहिंदी है ना, बंदा पार जांदा ना बंदा जिथे हैगा उत्थे रहिंदा। इस करके अमल जिहड़ा आ वह करना सीखना। इलम तो बहुत है, इलम तो हर थां तो मिल जाता, जिथों मर्जी ले लो इलम मिल जाता, अमल नहीं मिलता। अमल तुसीं करना, तुसीं किसे फकीर दे कोल जाके दुहाड़े कड्डो सरकार जी कुछ दे दिओ, कुछ पढ़न नूं दे दिओ, कुछ बोलन नूं दे दिओ, कुछ उचारन नूं दे दिओ, कोई रास्ता दे दिओ, उन्हें थानूं रास्ता दस देना। पढ़न दे लई बोलन दे लई भी थानूं कुछ ना कुछ दस देना, पर अमल अमल तुसीं करना। पाक साहब तुसीं रहना, मन दी पाकी तुसीं करनी, तन दी पाकी तुसीं करनी, झूठ तो तुसीं ग्रेज करना, फिर जाके थोड़ा वह जिहड़ा उत्तों कलमा लिया उस फकीर तो जो भी तुसीं सिख्या जां कुछ पढ़न दे लिया उन्हें कम करेगा, वो थोड़े रूह दे विच रंग होवेगा, नहीं तो नहीं। अज दे माहौल दे विच जिन्नियां ये गल्लां आम समझियां जांदियां ये गल्लां उन्नियां ही खास हन। इलम जिहड़ा वो गल हो रही अमल जरूरी है। पुराने समयां दे विच अमल ज़्यादा हुंदा सी, इलम किसे किसे कोल हुंदा सी, इस करके कोई कोई फकीर हुंदा सी। अजकल बहुत फकीर ने ते अमल दी कमी है, इलम बहुत लोकां कोल है। सो इस गल थोड़ा जिहा अपने आप ते सैट करना कि इलम लैके अमल करना सिखना। बहुत सारे दोस्त कहते हैं सानू इन्हां पीरां दा कलमा दे दिओ, सानू उन्हां पीरां दा कलमा दे दिओ, वह गल्लां वखरियां ने। पहला इश्क सिखो, इश्क कोई जात नहीं देखता, कोई पात नहीं देखता, इस तरह पीरां फकीरां च है, इस तरह दुनिया दे विच है। दुनिया दे विच इश्क कर दिओ, कोई जात नहीं देते, कोई पात नहीं देते, कोई नहीं पुछता कि मजहब कि जात की है। इस तरह इबादत दे विच है, बंदगी दे विच है। एक एक बच्चे का सवाल सी, मैं हुणे कुछ टाइम वीडियो रिकॉर्ड करन तो पहला पढ़िया कि मेरा मजहब कुछ होर है, मैं अपना कलमा किसी होर मजहब तो लेना चाहुंदा, कि इहदा हो सकता? तो वो रब जात थोड़ी देखता कि भाई तू इस जात का बंदा सी, इस जात विच जाके कलमा ले लिया, तेरा कलमा मंजूर नहीं होना। नहीं, वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ देखता बंदे का दिल इश्क किन्ना है, इस रूह दे विच इश्क किन्ना है उस दाता दा। इहदी रूह जिहड़ी है इश्क दे नाल उस मलक दा नाम लैंदी है कि दिखावा करदी है। कई लोग दिखावा करदे ने, कई इश्क करदे ने, कई बंदगी करदे ने, कई दस के बंदगी करदे ने, कई सारी सारी रात ला के तां जे कोई पुछे बंदगी कहिंदे टाइम ही नहीं, करदे नहीं, उह लुको के करदे ने, क्योंकि उन्होंने युक्ति समझ आ गई है कि इलम दे नाल अमल जरूरी है। हुण डॉक्टर तो दवाई लैण आपां जांदे आ, जे परहेज ना कीता ते उहदा फायदा कोई नहीं, ठीक नहीं। जे डॉक्टर दे कोलों आपां कुछ फार्मूला लिया कि मेरी सेहत नहीं ठीक जां मैं ठीक नहीं रहिंदा, वह चीज़ आपां सिखी, उन्हें आपां नूं इक बना के देता जी तुसीं आ दवाई इदां दा खाणी, इदां दा चलना, जे उहनूं आपां उहदे हिसाब नाल चले नहीं तो फिर डॉक्टर थोड़ी कसूर है, क्योंकि उन्हें तो थानू अपना इलम देता जो कुछ है। इलम का मतलब की होंगे थोड़ा काम, तुम कि काम च मास्टर हैं, उन्हें सानू देता। अमल तुम करना, अमल दे नाल गल पास होनी है, ना कि इलम दे नाल।
ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਆਪਾਂ ਇਲਮ ਵੱਲ ਨੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੀਰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।